जबलपुर के गोरखपुर थाने में कांग्रेस नेता और एक युवती के बीच विवाद का मामला सामने आया। युवती ने कांग्रेस नेता राममूर्ति मिश्रा पर जबरन विवाद करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत गोरखपुर थाने में की। वहीं कांग्रेसी नेता राममूर्ति मिश्रा पूरे मामले को विवाद करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनको बदनाम करने की धमकी देकर पूरी साजिश रची जा रही है। यही नहीं, युवती ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी है। मामले को जबरन तूल दिया जा रहा है। लोगों को सच्चाई पता है, यदि उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो फिर उसके खिलाफ वे भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस शिकायत लेकर मामले की जांच कर रही है। ये कि मेरे घर के सामने रोज का है कि कोई ना कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, हम हॉर्न बजाते हैं, हमेशा गाड़ी अलग कर लेता है कोई भी, क्या करके दुकान वाले भी सब मदद करते हैं जिनकी भी दुकान है आजू बाजू। आज मैं हॉर्न बजा रही थी, पिछले 5 मिनट तक बजाती रही, गाड़ी की लाइट जल रही थी पर मुझे लगा गाड़ी छोड़ के कोई चला गया है, तो मैंने दुकान वालों से पूछा, दुकान वालों ने हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। मैं वेट करती रही कि कोई आएगा गाड़ी अलग करेगा। थोड़ी देर बाद उसमें से आदमी निकलते हैं, बुड्ढे से आदमी हैं, तो मैंने कहा, मैंने कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं बैठी थी, वो अपनी गाड़ी के दरवाजे पे थे, तो मैंने उनको इशारा किया मेरा घर है, जैसे मैं सबको करती हूँ कि भाई हॉर्न बजाए, मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है। मुझे लगा अब वो गाड़ी अलग करेंगे, पर वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी अलग नहीं करी। मुझे लगा गाड़ी के सामने कोई कुछ और है, कोई बाइक खड़ी, इसलिए वो अलग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि मैं जाके अलग कर देती हूँ। गाड़ी का जैसे दरवाज़ा खोला, मैं आगे बढ़ी, देखा तुरंत उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा लिया, मतलब जैसे कि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं उतरूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी अंदर करी, मैंने बोला अंकल आपको सुनाई ही नहीं दे रहा था कि मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ अपने घर के बाहर, ऐसे इशारा किया, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो मैंने कहा जैसे मैंने बोला आपको अभी तो सुनाई दे गया, तो मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी अगर पंक्चर करूँगी तो आपको सुनाई देगा, तो करके दिखा पंक्चर तुरंत, ये जवाब था उनका। मैंने कहा ठीक है, घर के बाजू में पंक्चर की दुकान थी, मैंने बोला अंकल पंक्चर करते चलिए इनकी गाड़ी, तू कौन है बे सुन सुन तू कौन है, समझती क्या अपने आप को। नहीं अंकल मैं इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ, आप गाड़ी अलग कर लेते तो मैं थोड़ी जल्दी चली जाती घर पे, तो समझती क्या अपने आप को। मैं गई आगे बढ़ी, उन्हें मुझे खींचा, ये सब रिकॉर्ड हुआ होगा एटीएम में, यूनियन बैंक के एटीएम के बाहर जो कैमरा लगा है उस पर, उन्हें थप्पड़ जड़ा मुझे यहाँ पे, उसके बाद उनका हाथ रुका नहीं, वो मारते जा रहे हैं, लोगों को आना पड़ा रोकने के लिए, उन्हें सबने रोका, मुझे बोला कि आपके पापा के पिता के दोस्त हैं, ऐसा मत करो, बात मत करो इनसे, कोई थप्पड़ मारेगा आपसे तो आपसे प्यार से, प्यार के शब्द तो नहीं निकलेंगे आपके मुँह से। तो उनने बहुत ही बदतमीज़ी करी, तो समझती क्या तू हो कोई कौन कहीं की ये वो। मैंने कहा मेरा घर है, मेरी गाड़ी आप अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, आप खड़े हो गए उसके बाद भी आप नहीं कर बोलते जा रहे थप, मतलब उनका हाथ रुक नहीं रहा था, हाथ मोड़ रहा है, पीठ पे मार रहा है, तो समझती क्या। फिर मेरा हो गया दिमाग खराब, मैंने पानी की बॉटल खोली, उन पर पानी फेंका जो मैं कर सकती थी। उसके बाद मेरे पापा आ गए, उनसे ऐसे बात करें जैसे कि कौन है, राममूर्ति मिश्रा हैं, कुछ पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये मुझे नहीं पता किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कहाँ की घटना है ये? मेरे घर के बाहर की घटना है। आपका नाम? मेरा नाम ख्याति चौहान है। आज सायंकाल 7 बजे मैं अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, वहाँ पर एक ई टिकटिंग का शॉप है, फोटोकॉपी की, मैं गाड़ी खड़ी किया हुआ था, पीछे से हॉर्न बजाया, जब मैं गाड़ी से उतरा तो उसको देखा कि गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, वहाँ से रास्ता था, मैंने अपनी गाड़ी को हटा लिया। वहाँ से हटा करके मैं जाके जो दुकान थी, जो साफ था फोटोकॉपी को, जहाँ से टिकट मिलता है, क्योंकि मुझे 24 तारीख को भोपाल जाना था, उस जाने के बाद इसने जाके घर में अपनी गाड़ी खड़ी की, ख्याति ने गाड़ी खड़ी करने के बाद वहाँ से लौट के आई, लौट के आने के बाद बदतमीजी करने लगी, बोली मैं महिला तुम्हें फंसा दूँगी, नई एज की लड़की हूँ, तुम क्या कर लोगे मेरा, मारपीट करने लगी, सवाल उठ रहा, फिर गाड़ी के मेरे जाके पंचर करने लगी। ये सब हादसे जो हैं सब ने देखा वहाँ पे, और वीडियो बनाया बाद में उसने, आधा घंटा बाद वीडियो बनाया, और वीडियो में बोले मैं आपको गंदा कर रही हूँ कि आप नेता हो, और नेता कैसे गंदा किया जाता है, आप लोग महिला कैसे एक आदमी को जेल भिजवा सकती है, उसके कारण क्या बनाए जा सकते हैं, तो उसने कहा कि आपने उनको मारा, मारने की उसने बात की, हमने कहा कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, तुमने क्या किया, उसने पहले हाथ उठाया, हाथ उठाने के बाद उसके बाप ने भी देखा, अपने को बाप को कहती, बाप ने मना करने की कोशिश किया, तो बाप से कहती है अगर तूने ज़्यादा बोला तेरे खिलाफ मैं भी रिपोर्ट कर दूँगी। ठीक, विक्षिप्त लगती है मेरे को, साइकी लगती है, आपने भी शिकायत दर्ज कराई, साइको है, तो इस तरह से जो उसने रिपोर्ट कराई है बेबुनियाद है, आधारहीन है, और उसको किस बात का गुस्सा लगा, या लगा कि मैं बहुत सक्षम हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो उसने किया लोगों ने भी देखा, साक्षात्कार हुआ, हम लोग कांच के घर में बैठे हैं, जनप्रतिनिधि जो होता कांच के घर में होता नहीं,
और सवाल ये उठता कांच के घर में बैठने वाले जो चाहे पत्थर फेंक देता है, और पत्थर फेंक देता है उसके बाद एक महिला ने पत्थर फेंका, जब उसका पत्थर फेंका हुआ तो मोस्ट वाली आदमी नेताओं के ऊपर अविश्वास करती है, उसके ऊपर विश्वास करने की कोशिश नहीं की जाती। आपने शिकायत दर्ज कराई उसके खिलाफ? मैंने भी रिपोर्ट, अगर उनकी रिपोर्ट है तो मैं भी अपनी रिपोर्ट लगाऊँ। जो सच्चाई है, जो साक्ष्य सामने हैं, जो लोगों ने देखा है, उसने एक वीडियो इंस्टाग्राम में डाला है, इंस्टाग्राम में वायरल हो रहा है मैडम। सवाल उठता 6 मिनट का मेरा एक भी वीडियो है। सवाल ये उठता, एक लड़की थी, किसी परिवार की लड़की है, वो लोग मेरे परिचित हैं, पुराने लोग हैं, उनके दादा परदादा भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। मैंने उसको भी रोक लिया है कि एक लड़की की बदनामी अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन सवाल ये उठता अनाज फंसाना, अनाज बदनाम करना, और लड़की होने का फ़ायदा उठाना, एक औरत होने का फ़ायदा उठाना, एक जनप्रतिनिधि को बदनाम करने की सोच साजिश है, निश्चित रूप से बड़ा अप्रिय। थाना गोरखपुर में एक महिला एक कंप्लेन लेकर आई थी कि रामपुर चौक के पास जो ATM है वहाँ पर राममूर्ति मिश्रा जी जो कि नेता हैं जबलपुर में ही, उनके द्वारा उनके साथ कुछ बदतमीजी की गई है। अभी हम लोग इस आवेदन ले लिया है और हम उस पर भी जाँच कर रहे हैं। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।